तो मेरा निशाना सही लगेगा। लग गया। तुम्हें चलो छुप जाते हैं, बंटी हमें देखेगा तो हमारे साथ खेलने की जिद करेगा। ठीक है, छिप जाते हैं। चलो उस साइड में छिपते हैं, जल्दी करो, वो इधर ही आ रहा है। चड्डा अंकल, अरे ये क्या किया, मेरा अनाज गिरा दिया। अरे मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। ये चड्डा अंकल भी ना कभी संभल के नहीं चल सकते क्या, हमेशा अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। ये है इस दुनिया का सबसे नायाब और दिलचस्प रोबोट मैगी। अब मेरा ये रोबोट जाएगा और प्रेम सहायक उस रोबोट को ढूंढ के अपने बदन में लगे मैग्नेट्स में चिपका के ले आएगा। You're genius. You're super genius, boss. बिल्कुल सही मोना। She is right, boss. She is right. You are right, my boy. जाओ मेरे रोबोट, अपनी ताकत का एक नमूना दिखाओ। जा। No, इस तरह नहीं। तुम्हें अपनी बॉडी से रोबोट को चिपकाना है, कार, स्कूटर या टेम्पो नहीं। टिम्बक्टो, तुम इसके साथ जाके इसकी मदद करो। जब प्रेम सहाय का रोबोट मिले तो इसकी मैग्नेटिक पावर को ऑन कर देना। जाओ। ठीक है बॉस, आई विल डू इट बॉस। वीर, मेरे गांव राजपुर में मेला लगा है, बहुत अच्छा बड़ा मेला है, लेकिन इस बार हम मेला देखने नहीं जा पाएंगे। क्यों, इस बार क्यों नहीं जा सकते? ट्रेन वहाँ नहीं जाती, रेलवे ट्रैक तैयार है लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई, और इस बार बरसात के कारण लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो गए हैं, तो अब की बार तो नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो रेलवे ट्रैक पर चल सके, फिर हम सब लोग उस कार से मेला देखने चलेंगे। ठीक है? सच? हाँ इमली। तो सुनो जिन, मैं हूँ जिन। ये क्या बना रहे हो बॉस? मैं ये रेलवे ट्रैक पे चलने वाली कार बना रहा हूँ, इसके सब पार्ट्स बना दिए हैं, इन्हें तुम जल्दी से जोड़ दो, ठीक है? ओके बॉस। थैंक यू जिन। अब देखना ये है कि ये कार रेलवे ट्रैक पे चल सकती है या नहीं। तुम उतरो, ये कार तुम्हारे लिए नहीं है, मैं और इमली बैठेंगे इसमें, उतरो उतरो। चलो देखते हैं ये कार चलती है कि नहीं। मम्मे मम्मे, जिंटू कार क्यों उड़ा रही हो, ये रेलवे ट्रैक पे चलने वाली कार है। उड़ने दो, मजा आ रहा है। जिंटू, मेरा हुकुम है कि कार उड़ाना बंद करो। ओके बॉस। मम्मी, वीर की कार। मम्मी, वीर की कार उड़ती है, उसके पास जिन है, जिन। जल्दी चलो, देखो। जल्दी आओ ना, जल्दी। मम्मी जल्दी, कार आ रही है। लो, तुम्हारी दोस्त बंटी ने फिर देख लिया। अगड़म बगड़म आलम फालम, या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ तुमने देखा है अभी, या तुम्हें ना कुछ आए। जिंटू तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों के सामने मेरा सारा राज खोल दोगे। हाँ, क्या दिखा रहा था? मैं तो कुछ नहीं दिखा रहा था। अभी तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, अब क्या हुआ? मैंने तो नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊंगा आपको? चल कान पकड़ और मेरे साथ नीचे चल। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? दादाजी, वीर एक ऐसी कार बना रहा है जो रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ सके।
बच्चों, मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई कार नहीं बनानी चाहिए जो रेलवे ट्रैक पर चलाई जाए। हाँ, सामने से या पीछे से कहीं से भी ट्रेन आ सकती है जो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। दादाजी, मैं मानता हूँ बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं तो एक रोबोट हूँ ना। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी पावर का इस्तेमाल कभी दूसरों के सामने नहीं करना। ठीक है वीर, कमाल हो गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे गांव के लिए ट्रेन स्टार्ट हो गई है। कल पहली ट्रेन से मैं मम्मी पापा के साथ गांव जा रही हूँ। कोई बात नहीं इमली, तुम मम्मी पापा के साथ ही जाओ, हम लोग कभी बाद में कार से जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू वीर। देखो, तोड़ दो उसे। गुड मैगी, अब सिर्फ ट्रेन के ब्रेक फेल करके ड्राइवर को बेहोश करना है, फिर ये खबर फैलानी है कि ट्रेन टूटे पुल की तरफ जा रही है। खबर सुनते ही प्रेम सहाय का रोबोट आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, राजपुर जाने वाली पहली ट्रेन पर ही एक्सीडेंट होने का खतरा मंडराया हुआ है। राजपुर के रेलवे ट्रैक पर पड़ने वाला एक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज टूटा हुआ है और ट्रेन रुक नहीं रही, ड्राइवर का कुछ पता नहीं है। ओह नो, इमली तो उसी ट्रेन में है। जिंटू, कहो बॉस क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? इमली की जान खतरे में है, हमें रेलवे ट्रैक पे जाके उसे बचाना होगा, जल्दी चलो। ओके बॉस, अभी लो। वेलकम वेलकम, आखिर तुम आ ही गए, तो तुम ही प्रेम सहाय का रोबोट हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माय रोबोट मैगी द मैग्नेट। गए थे ना काम से? ओके ओके, थैंक यू। अरे अरे, ट्रेन को आसमान में कहाँ ले जा रहे हो? रेलवे ट्रैक पे लैंड करो जल्दी। ओह सॉरी बॉस। वीर कहाँ है? ट्रेन दूसरे ट्रैक
जल्दी से ऐसा जादू करो कि लोग ये सब भूल के इतना याद रखे कि दो ट्रेन आमने सामने आके रुक गई। अगड़म बगड़म आलम फालम याद तुम सब की खो जाए, जो कुछ देखा अभी अभी वो याद तुम्हें ना कुछ आए। मुझे मालूम था भी कि ये तुम ही होगे। जल्दी चलो चुलबुल, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चड्डा अंकल इतने डेंजरस साइकिलिंग क्यों करते हैं? देखा, इस बार हम चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। हमारे इस नए स्टूडेंट करण ने कई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जीती है। यकीन नहीं हो रहा कि हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। हाँ, हर साल तो वो इंटरनेशनल स्कूल वाले चीटिंग करके जीत जाते हैं। उनका प्रिंसिपल खुराना बहुत ही खराब आदमी है। करण, मैंने सुना है कि तुम अमेरिका जाके इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। यस सर, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और वो मेरे पास नहीं है। देखो करण, हम तुम जैसे टैलेंटेड लड़कों को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर फ्री पढ़ाते हैं। वहाँ रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब फ्री। सच सर? क्या आप मुझे स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजेंगे? यस करण, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सर, मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। तो बस तुम अपने पैर में चोट लगने का बहाना करके घर चले जाओ। हम 10 सालों से ये रेस नहीं हारे हैं, और हाँ, इस बार भी हारना नहीं चाहते। ओके सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट स्कूल से कोई नहीं आ रहा क्या? वीर, तुम बहुत छोटे हो, इन बड़े लड़कों से जीतना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। आप रेस स्टार्ट करिए। वीर वीर, तुम नहीं दौड़ सकते। करण करण कहाँ है? सर, उसके पैर में चोट लग गई है, वो घर चला गया। जरूर उस खुराना ने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या होगा? ऑन योर मार्क्स गेट सेट। मिस्टर खुराना, वो देखिए, वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दौड़ रहा है। उसे क्या लगता है कि वो जीत जाएगा? कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, और हाँ, उस पर नजर रखो। वीर, तुम इन लड़कों से नहीं जीत सकते। अगर रोबोटिक पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। तक तुम
ना दिन दिन मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है, मुझे ऐसा डरा कि किसी को पता ना चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। बच्चे थक जाओ तो बता देना, मैं गोदी में उठा लूंगा। ये लो जी। जल्दी कराओ, सब टेबल चेयर लगाओ। अभी तो रेस शुरू हुई है, सबको आने में टाइम लगेगा, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया? तुम कहाँ से? कहाँ से आ गए? मैं तो आपके पीछे ही भाग रहा था। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो, ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ये कैसे भाग रहा है? जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। जिंटू मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझे छोड़ ही दो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब तू पीछे ही रहेगा, हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। सुनो, वो लड़का आ रहा है, उसे आगे बढ़ने से रोक दो। तुम वही लटके रहो बच्चे, वहाँ झूला झूलो, ये उम्र झूला झूलने की ही है। बॉस, बोलो क्या करना है? करना क्या है, उठा के ये जाल उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर फेंको जो वीर का मजाक उड़ा के गए हैं। अरे जिंटू, वीर को तो कम से कम बाहर निकाल लेना था। Hey guys, हम इस बच्चे से हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। Come on, let's stop him. Bye-bye!
फास्ट 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 कम ऑन प्लीज दौड़ो ऑन तेज वीर कितना थका हुआ लग रहा है ओ वीर और तेज भाग और तेज आज रेस जीतनी है टिफिन खाके बहुत कुछ देख लिया है उनकी यादें गुम कर दो अगड़म बगड़म आलम फालम याद तुम्हें ना कुछ आए मुर्गे जैसी याद हो तेरी बाकी सब कुछ भूल जाए एक बच्चे से हार गए हम जीत गए